एंड गेम में जब हल्क स्नैप करने की तैयारी कर रहा था तो सारे एवेंजर्स की फटी हुई थी और सबसे ज्यादा डरा हुआ था टोनी स्टार्क। तो इसमें एक हिडन डिटेल है जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स डरे हुए थे और उस पूरे कमरे को सील कर दिया गया था और टोनी स्टार्क ने अपनी सील आगे कर ली थी और उसके पीछे हॉकाई को छुपा लिया था। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि स्नैप से इतना ज्यादा रेडिएशन होने वाला था जिससे बाहर की दुनिया को खतरा हो सकता था, इसलिए उस कमरे को बंद किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारा डर था हल्क की वजह से। तो यार हम सब लोग जानते हैं कि एंड गेम में वो स्मार्ट हल्क था, लेकिन हम पहले वाले हल्क को भी जानते हैं जो कि था इनक्रेडिबल हल्क। उसने बोंडा के मैजिक के सामने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी और कितना कुछ बर्बाद हो गया था उसकी वजह से। तो यही डर टोनी स्टार्क को एंड गेम में था कि स्मार्ट हल्क स्नैप करते टाइम कहीं इनक्रेडिबल हल्क ना बन जाए और उसके बाद वो क्या तोड़फोड़ कर सकता था, इसीलिए सारी सेफ्टी बरती गई थी ताकि अगर वो इनक्रेडिबल हल्क बन जाए तो वहां पर कोई तोड़फोड़ ना हो और वो उस कमरे में ही कैद रहे और उसका सामना एवेंजर्स ही करें। तो ये हिडन डिटेल थी, इससे पहले कि आपने ये नोटिस किया।